हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 39। ये 3 अक्टूबर की, आज की सैटरडे की वर्कशीट है आपकी। तो ये जो वर्कशीट है, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा, जो जिन्हें हम महात्मा गांधी भी कहते हैं, तो उनके बारे में है, उनके ऊपर है ये, क्योंकि कल गांधी जयंती थी। तो अब महात्मा गांधी जो है, वो महात्मा जो है, वो सिर्फ हमारे लिए महात्मा नहीं है, वो पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए भी महात्मा है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो जो वैल्यूज फॉलो करते थे, जिनमें बिलीव करते थे, उन्हें वो फॉलो भी करते थे। तो व्हाइल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विनिंग ट्रेट्स इवन बिफोर गांधी एग्जिस्टेड, इट वाज गांधी हु लिव्ड एंड शोड हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अबाइडेड बाय इन एवरीडे लाइफ। तो वैसे तो ईमानदारी, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, मतलब कि सच बोलने की जो ये वैल्यूज हैं, तो ये तो वैसे तो सभी जानते हैं कि ये अच्छी वैल्यूज है, लेकिन गांधी जी ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को ये दिखाया कि कैसे इन वैल्यूज को हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आपको यहाँ पर दो वैल्यूज दिखाई गई हैं गांधी जी जो फॉलो भी करते थे और प्रीच भी करते थे, और जैसे कि ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, मतलब सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, और क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि अगर आप सब अपने आसपास सब क्लीन रखते हैं तो वो बिल्कुल भगवान से मिलने के बराबर है, गॉडलीनेस के बराबर है। तो ये दो वैल्यूज जो हैं गांधी जी प्रीच करते थे और फॉलो भी करते थे, तो इनमें से आपको कोई एक जो है सिलेक्ट करनी है, जो आप अपनी जिंदगी में फॉलो करना चाहेंगे। तो आगे अब इसमें क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट से हेल्प मिल सके, इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो आपको अब इस वर्कशीट में ये करना है, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर, अपने स्कूल के काउंसलर को आपको लेटर लिखना है अपने डिसीजन के बारे में बताते हुए, कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आप अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहेंगे, और साथ ही साथ इन द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। तो आप अपने डेली रूटीन में कैसे बदलाव लाएंगे, जिसके जिसकी वजह से ये जो वैल्यूज हैं ये फॉलो हो सके। तो वो जो लेटर है वो कैसे लिखना है, अब जल्दी से देख लेते हैं, मैं आपको पूरी वर्कशीट पहले अच्छे से दिखा देती हूँ। तो अब चलते हैं लेटर की तरफ। अब लेटर आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप लेटर में लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे द काउंसलर। अब यहाँ पर आप ये एड्रेस, ये जो ये लाइन है ये नहीं लिखेंगे, लेकिन अपने स्कूल का एड्रेस आप लिखेंगे, एड्रेस ऑफ योर स्कूल यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर आप लिखेंगे आज की डेट, फिर सब्जेक्ट फॉलोइंग गांधीज वैल्यूज, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम। तो अगर आपके काउंसलर जो है वो मेल है तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, फीमेल है तो रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमने यहाँ लिखा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती अक्टूबर 2 पे आपने कुछ समय निकाला और उन्होंने जो वैल्यूज प्रीच की हैं उस पर आपने रिफ्लेक्ट किया, और इसमें से फिर आपने डिसाइड किया कि आप वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस को फॉलो करेंगे, उसको एक्सटेंसिवली उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि गांधी जी के हिसाब से क्लीनलीनेस वॉज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो इसी को आप इलेबोरेट करते हुए फिर इस पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं कि किस तरह से आप इसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं क्लीनलीनेस को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जैसे ही मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी तो मैं अपना बेड अच्छे से समेट लूंगा, अच्छे से उसको बेडशीट को साफ करके तय करके, फिर अच्छे से नहा धोकर अपने रूम को अच्छे से सेट करूंगा या करूंगी, और फिर जो भी मेरा सामान है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगा, कुछ भी इधर उधर फेंका हुआ नहीं होगा, बुक्स और जो खेलने की चीजें हैं या कोई और सामान है उसको अच्छे से उनकी जगह पर रख दूंगा या रख दूंगी, साथ ही एक छोटा सा वेस्ट बास्केट, छोटी सी डस्टबिन मैं अपने रूम में ले आऊंगा, ताकि जो भी कोई इधर उधर का कचरा है या जैसे कि पेपर्स हैं या पेंसिल शेविंग्स हैं या यूज्ड पेन्स हैं, ये सब जो है इमीडिएटली मैं उसमें डाल दूं वेस्ट बास्केट में, और इधर उधर ना ये बिखरे पड़े रहें। और साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली की भी हेल्प करूंगा क्लीन करने में, चाहे बर्तन धोने में, चाहे कपड़े धोने में, या जनरली घर को पूरा साफ रखने में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने घर पे ही ये चीजें फॉलो करेंगे, आप साथ ही साथ अपना जो वेस्ट है उसको भी सेग्रीगेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लीनलीनेस के लिए भी और साथ ही हमारे एनवायरमेंट के लिए भी, कि वेस्ट आप सेग्रीगेट करें, मतलब कि उसे छांटे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप छांटे और फिर उसे ऐसे डिस्पोज ऑफ करें कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास की जगह है, वो पोल्यूट ना हो।
और साथ ही साथ आप अपने लोगों को भी, आसपास जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी आप इनकरेज करेंगे साफ सफाई रखने के लिए. तो फाइनली आई विल फोकस ऑल्सो फोकस ऑन कीपिंग माई बॉडी एंड माइंड क्लीन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आसपास आप क्लीन रखेंगे, आपको खुद को भी साफ रखना बहुत जरूरी है. आप अच्छे से रेगुलरली बाथ लेंगे, आप सुबह उठने के बाद और सोने से पहले रात को आप ब्रश करेंगे अच्छे से नहाएंगे, और साथ ही साथ आप जो है एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, और पॉजिटिव सोचेंगे और सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, ताकि आपका माइंड भी हेल्दी रहे, क्लीन रहे. जितने नेगेटिव थॉट सोचेंगे, जितना दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे, उतना ही जो है आपके अंदर गंदगी भरी रहेगी. तो अंदर से साफ होना भी इम्पोर्टेंट है, तो उस पर भी आप फोकस करेंगे. तो एंड में आप इस लेटर को इसी तरह से एंड करेंगे कि आई होप ये जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं ये आपको गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने पर आपको हेल्प करें. फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और फिर योर सिंसियरली. यहाँ पर आप अपना नाम और अपनी क्लास और सेक्शन आप यहाँ लिखेंगे. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ नाम और क्लास सेक्शन आपका अपना होगा. तो इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं अपने स्कूल काउंसलर को. उम्मीद करते हूँ कि आपको अच्छे से ये वर्कशीट समझ आ गई हो. आप इससे, इस लेटर से आइडियाज लेके आप अपना लेटर लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप जो दूसरी वैल्यू यहाँ पर बताई गई है गांधी जी के बारे में, सत्यमेव जयते की जो वैल्यू बताई गई है, आप चाहें तो आप उस पर भी लेटर लिख सकते हैं. आप अपने शब्दों में उस लेटर को आप लिख सकते हैं. उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आ गया हो. फिर भी डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं. थैंक यू.